आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं मुरादाबाद मंडल की कुछ खास खबरें। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना इलाके के बुद्धि विहार से आयोजित आर्य वीर सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर बाबा रामदेव के साथ ही अन्य कई संत मौजूद रहे। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा कई उपलब्धि की भी जानकारी मंच से दी गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को विदर्भियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है। और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई। यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूरे संतों ने, आर्य समाज के उन सभी प्रभाव ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। तब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे।